आपको जयपुर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओटीएस में लाभार्थी महिलाओं से वार्तालाप कर रहे हैं। अरे यार भैया फोटोग्राफर यार अब तो कर लो साइड में, थोड़ा दूर से सामने आ जाओ ना, इधर कोई नहीं आ रहा, बीच में ही सेंटर में आ जाओ। यार ये तो कैसे है, बंसी जी उधर से ले लो, थोड़ी थोड़ी उधर से ले लो, बिजली नहीं आती क्या तेरे को? अब क्या आ गया, अरे अटल अटल अरे अटल और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल देखिए, आज सीएम भजनलाल जो है ओटीएस में उज्ज्वला लाभार्थी महिलाओं के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, महिलाएं उनका आभार जताने के लिए वहां पर पहुंची हैं, क्या कुछ वहां का माहौल आपको नजर आ रहा है? फिलहाल एक एक महिला से जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो महिलाएं प्रदेश से आई थी उज्ज्वला योजना का आभार जताने के लिए कि आपने संकल्प पत्र में वादा किया था जिसको पूरा भी यहाँ पर सरकार बनते यहाँ पर कर दिया है। ये जो तस्वीर है अब यहाँ पर, पहले हमने देखा सामूहिक रूप से जो तमाम महिलाएं बैठी हुई थी उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल ने मुलाकात की, अब भजनलाल जो मुख्यमंत्री है वो एक एक महिला से, क्योंकि प्रदेश से महिला यहाँ पर आई हुई थी, तो उनसे एक एक मुलाकात यहाँ पर करते हुए देखे जा रहे हैं। सभी महिलाएं आभार जता रही है, कोई सिलेंडर लेकर आया उज्ज्वला का, उसमें तस्वीर दिखा रहा है कि हाँ आपने उज्ज्वला की राहत दी है, कोई तख्ती लेकर बोर्ड लेकर बैनर लेकर यहाँ पर पहुंचा है और वो अपनी जो एक तरह से बात यहाँ पर रख रहा है कि हाँ आपने जो सौगात दी है उसके महिलाएं कितनी खुश यहाँ पर नजर आ रही हैं, कुछ महिलाएं मिठाई यहाँ पर खिला रही हैं, मिठाई लेकर पहुंची हैं और महिलाएं जो मिठाई खिलाकर आभार अभिनंदन यहाँ पर जता रही हैं। इसी कड़ी के अंदर तमाम जो प्रदेश भर की महिलाएं से लगातार ये महिला पहुंच रही थी और अब यह आभार कार्यक्रम यहाँ पर अभिनंदन कार्यक्रम यहाँ पर है और सभी महिलाओं से मिलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल जो है इनका तो आभार और अभिनंदन स्वीकार यहाँ पर कर रहे हैं और जहाँ पर जो जानकार महिला है या फिर जो महिला अपनी बात यहाँ पर रख रही है उसकी बात यहाँ पर सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो एक तरह से कहा जाए तिलक लगाकर जो महिलाएं कई जगह हम देख रहे हैं कि तिलक लगा रही हैं, तिलक लगाकर उनका अभिनंदन कर रही हैं। ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बताती है कि महिलाएं कितनी खुश हैं, कितनी खुशी खुशी यहाँ पर पहुंची हैं और पहुंचकर आभार अभिनंदन यहाँ पर जता रही हैं। ये ओटीएस जो अस्थाई आवास है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, वहाँ की तस्वीरें हैं, पहले सामूहिक रूप से मुलाकात की थी मुख्यमंत्री भजनलाल ने, अब सभी महिलाओं से मिल रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल चाहते थे उन्होंने समझा दी कि इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग महिलाएं आई हैं तो एक एक अगर मुलाकात करेंगे वन टू वन अगर उनसे मुलाकात करेंगे तो महिलाओं को भी लगेगा कि हाँ हम जो आवाज जताने आए हैं उनका सफल रहे हैं और उनके जो एक तरह से कहा जा सकता है कि पर्सनल एक तरह से मुलाकात होगी, मिलने से मुलाकात की संतुष्ट भी करने की महिलाएं होंगी कि हाँ मुझे मुख्यमंत्री से मिलकर वो यहाँ पर पहुंची है, सामूहिक रूप से मुलाकात के बाद ये तस्वीर अपने आप में अलग कही जा सकती है। जी महिलाओं के खर्च में सबसे बड़ी चीज अगर बात करें तो वो है किचन, और किचन में सबसे ज्यादा महंगा इस वक्त सिलेंडर ही था और उस पर भजनलाल सरकार ने जो है वो सबसे बड़ा खर्च जो है महिलाओं का बचाया है, 450 रुपए में गैस सिलेंडर कर दिया है, तो ऐसे में महिलाओं को तो खुश होना ही है। किस आपने महिलाओं से आपकी बात हुई है, क्या कुछ उनका कहना है?
मसाला हो, सिलेंडर खरीदना हो, तेल के भावों को अगर देखा जाए तो बड़ा एक बजट कहीं ना कहीं किचन में लगता है। और इस किचन के बजट में राहत जो है वो 450 रुपए में सिलेंडर करके यहाँ पर दिया गया है। 450 में सिलेंडर मिलेगा तो लगभग जो आज 1100 रुपए का सिलेंडर आम उपभोक्ता को मिल रहा है उसमें लगभग 650 रुपए की बचत कहीं ना कहीं महिलाओं पे होगी। उनकी महिलाओं की बचत जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ेगी। उनका जो खर्च है, क्योंकि अक्सर घर खर्च हो या फिर घर चलाने की जिम्मेदारी हो वो नारी पर होती है, महिलाओं पर होती है। और महिलाओं पर ये संकट होता है कि जितनी आमदनी है उसी में से घर परिवार को पूरी तरह से चलाना होता है। त्यौहार हो, त्यौहार सीजन के अलावा शादी के ब्याह का कार्यक्रम हो, मेहमान घर पर आ रहा हो, तमाम चीजें जो महिलाओं को वहाँ पर देखनी पड़ती है। तो ऐसे में ये महिलाएं जो हैं तो यहाँ पर पहुंची हैं आभार कार्यक्रम का, आभार अभिनंदन कार्यक्रम यहाँ पर बताया जा रहा है। जी जी अनिल, हम तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री खुद भी खुश नजर आ रहे हैं, महिला गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत कर रही है और नारे भी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और हम तस्वीर देख रहे थे जब सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री बजनाल मिल रहे थे तो नाच गाकर, डांस कर, गीत गाकर अलग से अनोखा जो अभिनंदन वो यहाँ पर किया जा रहा था। तमाम जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी तो तमाम महिलाओं ने उत्साह दिखाया, उत्साह दिखाते हुए दिखाया कि हाँ वो कितने खुश हैं, उनकी कितनी बड़ी डिमांड थी कि राहत मिले उन महिलाओं को, राहत मिलेगी तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। और इसी वजह से ये जो चेहरे पर खुशी नजर आ रही है महिलाओं की वो कहीं ना कहीं उजला में राहत को लेकर है। और इस राहत के मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल का आभार, क्योंकि प्रदेश के मुखिया होने के नाते जो घोषणा पत्र में वादा किया गया था उसको पूरा यहाँ पर किया गया है। ऐसे में यहाँ पर अभिनंदन यहाँ पर बताया जा रहा है। जी अनिल, तमाम तस्वीरों से रूबरू करवाने के लिए और वहां का माहौल दिखाने के लिए धन्यवाद। आप देख सकते हैं सीएम भजनलाल का आभार जता रही है महिलाएं। उज्ज्वला लाभार्थी महिलाएं हैं जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो है 450 रुपए करने पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताने के लिए पहुंची हैं। अलग अलग क्षेत्रों से ये महिलाएं आई हुई हैं। उज्ज्वला लाभार्थी महिलाएं हैं ये और अलग अलग क्षेत्रों से आई हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं महिलाओं से बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और महिलाएं भी उनके साथ फोटो खिंचवाती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं ओटीएस पहुंची हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जता रही हैं। मुख्यमंत्री भी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल
एओटीएस पर ये आभार कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों से उज्ज्वला लाभार्थी महिलाएं जो हैं वहां पर पहुंची हैं और भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर रही हैं, उनसे संवाद कर रही हैं, उनका आभार जता रही हैं और मुख्यमंत्री भी सभी से मिलकर काफी खुश नजर आ रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जनलाल सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम 450 कर दिए हैं और उसी को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल का आभार जताने महिलाएं पहुंची हैं। काफी संख्या में वहां पर भीड़ मौजूद है। मुख्यमंत्री ने बारी बारी से सभी से मुलाकात की, काफी खुश नजर आ रहे थे। महिलाओं के सबसे बड़े खर्च से जुड़ी है गैस सिलेंडर की ये समस्या, जो कि अब 450 रुपए का गैस सिलेंडर कर दिया गया है, जिससे काफी राहत महिलाओं को मिली। रक्षा जी, रक्षा मैडम, रक्षा जी, रक्षा जी।